A warm good morning students. नए वीक में नए उत्साह के साथ नई वर्कशीट लेकर आए आपके लिए. वर्कशीट जो है हमारी एमसी की है, वर्कशीट नंबर 12 है ये वाली, है ना? तो इसको कर लीजिएगा 12. सहयोग कोलैबोरेशन पार्ट 2. पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं ईएमसी की. और भी वीडियोस हमारी सारी हमारे चैनल पे, हर तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो वर्कशीट से रिलेटेड हैं और आपके एकेडमिक से भी हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पिछले वर्कशीट में हमने देखा था कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर हम किसी काम को करते हैं तो काम अच्छे से पूरा हो जाता है, होता है कि नहीं? आप अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर काम कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो काम अच्छे से होता है कि नहीं होता है? आप देखिए, चित्र को देखिए और सोचकर बताइए कि क्या हुआ है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि सभी तरह के व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो क्या होगा? काम कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा या सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, विविधताएं हैं? हमें दिख रहा है हौच पौच सा नजर आ रहा है. आप खुद ही सोचिए कि हर तरह के व्यक्ति की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो अगर सब एक ही काम करेंगे तो कोई काम को बिगाड़ेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, यही है ना? तो इसका इस चित्र से हमें ये पता चलता है कि काम कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि सबकी क्योंकि क्योंकि सबकी अपनी क्षमताएं हैं, है कि नहीं? अपनी क्षमताएं हैं. तो अगर सभी तरह के व्यक्ति को हम काम पे लगा दें, एक ही काम पे लगा दें, तो काम ठीक से नहीं होगा. सीधी सी बात है, काम को मिलके करना है और काम को डिवाइड करना है कि कौन क्या काम करेगा, तभी काम बच्चे एक सा होता है. आप खुद ही सोचिए ना, रोटी बनाने में, खाना बनाने में सभी लग गए, आप भी लगे, मम्मी पापा सब लग गए, तो हौच पौच सा हो गया. और वही अगर हिस्से को बांट लें कि हाँ भाई सब्जी ये काटेगा, सलाद ये काटेगा और मम्मी रोटी बनाएगी, पापा सब्जी बनाएंगे, तो क्या होता है? काम जल्दी जल्दी होता है, एफिशिएंटली हो जाता है ना? तो इस चित्र से हमें एक ही बात समझ में आती है कि अगर सभी तरह के व्यक्ति एक ही काम को करेंगे तो काम काम में एक ही काम को ना करें. सीधी सी बात है, अलग अलग काम करें, एक ही काम के पार्ट करके काम करें, हिस्से करके काम करें, तो प्लेन बनाएं. चलिए प्लेन बनाते हैं हम लोग, एरोप्लेन. अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर टीम बना लीजिए, ठीक है? अब टीम में दोनों टीम, दो टीम हो गई, एक सदस्य कागज, एक कागज लेकर एक पेन बनाए, एक एक कागज लेकर, और एक ऐसा प्लेन बनाना है जो दिखने में खूबसूरत हो और ज्यादा दूरी तय करे. चलिए देखते हैं. अब दोनों टीम के सदस्यों ने प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक एक हाथ का ही प्रयोग करेंगे. ध्यान रखना, एक एक हाथ का प्रयोग करेंगे और अपनी पीठ से सटाकर रखेंगे, ठीक है? स्टेप 4 है, स्टेप 4 क्या है? प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा. तो देखिए, एक क्या कर रहा है, एक सदस्य प्लेन बना रहे हैं, उसी टीम का दूसरा सदस्य रंग भरेगा, ठीक है? उसको सजाने में, प्लेन बनाने वाला प्लेन को रंगने में या सजाने में कोई मदद नहीं करेगा. प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम सदस्य एक एक कर अपने प्लेन के उड़ा के दिखाएंगे. दो टीम है, ठीक है? तो दो टीम में सदस्यों ने अपने अपने काम की. अब सोचिए, हाथ से प्लेन बनाने में आपको क्या चुनौतियां आई, क्या आई बताइए? सीधी बात है, एक हाथ से काम करना पड़ा, एक हाथ से काम करना पड़ा. चुनौती तो यही आई ना. प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपके टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? सीधी सी बात है कि एक प्लेन बनाएगा
ठीक है। वह दूसरा रंग भरेगा। और इसके अलावा पीठ पे रखा था ना उन्होंने, पीठ वाली कुशलता, पीठ पे उन्होंने क्या किया बताइए? यस, पीठ का सहारा लिया कि चलिए एक हाथ है तो एक पीठ जो है उसको प्लेन बनाने में हमें यूज हो जाएंगे। तो सहयोग की पहचान तो यही है ना कि हमारे आसपास कई वस्तुएं दिखाई देती हैं, बहुत सारे लोग, लोगों के प्रयास से बनी होती हैं, तब हम तक पहुंचती है। और क्या हम इस सहयोग के बिना, क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जब तक संभव सहयोग नहीं करेंगे तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और एक आदमी सभी काम नहीं कर सकता। तो चलिए नीचे दिए गए उदाहरण में किसी एक वस्तु का चुनाव करना है, उसे बनाने में किस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग और मतभेद सुलझाकर निर्णय तक पहुंचने में प्रक्रिया को नीचे दिए स्थान में लिखिए। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म में मान लीजिए वस्तु का नाम, उसे तैयार करने में वाले प्रतिभागी, फैक्ट्री में इन्हें कौन डिजाइन करता है बताइए? नेचुरल हेयर डिजाइनर करता है, तो आप यहां लिख सकते हैं, तो डिजाइनर ने किया डिजाइन। कटिंग कौन करेगा? टेलर करता है। बटन जिप कौन लगाता है? कोई ना कोई वर्कर होगा, है ना, तो वर्कर लिख देते हैं इसको। प्रेस करके पैक कौन करता है? जो प्रेस के लिए रखा होगा, प्रेस वाला। अब हमें बताना है, ये तो ये हो गया, इस प्रक्रिया में यदि डिजाइन आदि के बारे में मतभेद होता तो कैसे सुलझाते? सीधी सी बात है, आपस में मिलके बैठ के बात करते कि और क्या क्या डिजाइन हो सकता है। बॉक्स में जो आपने लिखा उसको ध्यान में रख के जवाब दीजिए। एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करके वस्तु नई कैसे बनाई जा सकती है बताइए? अरे नई बन जाती है ना, कि वो जो वस्तु है ना वो अच्छी व उपयोगी बनती है, आपको ये बता देते हैं, और सहयोग के द्वारा ही होता है, ये बनती है। नेक्स्ट क्या है? हमें अपने आसपास और भी वस्तुओं और काम देखने को मिलता है जहां आपसे सहयोग है, किसी एक का नाम बताइए। अरे सीधी सी बात है ना, विद्यालय लिख देते हैं हम अपना, क्या वहां आपसे सहयोग नहीं है? है ना, तो विद्यालय हमारा जहां पर हम देख रहे हैं आपसे सहयोग होता है पढ़ाई में। सहयोग और मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएं? आपस में मिलकर बात करने से, आपस में मिलकर बात करें। और क्या करेंगे, और कैसे सुलझाएंगे? बात करें, समस्या का समाधान ढूंढें। आशा है कि आपको सब समझ में आया होगा, कुछ नया सीखा है आपने। क्या सीखा बच्चों? कि सहयोग कितना जरूरी है और सहयोग से कैसे काम बेहतर बनाएं। अब चित्र में देखिए, ये बता रहा है अगर एक ही काम को आप करेंगे तो दिक्कत है, लेकिन उस काम के पार्ट बना दिए जाएं कि हाँ जी ये बंदा ये व्यक्ति करेगा, ये बंदा ये व्यक्ति करेगा, तो काम बहुत ही अच्छा होगा बच्चों। इस तरह से हमारी वर्कशीट भी अच्छी पूरी होती है। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नए वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।